2 जून से लेकर 2 अगस्त तक पूरे 2 महीने हो गए, मगर लगता है कि नागिन 3 टीआरपी लिस्ट पर कुंडली मारकर बैठ गया है। जी हाँ, पिछले 2 महीने से लगातार नागिन 3 शो टीआरपी में टॉप पोजीशन पर है। शो ने न सिर्फ कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य से उनकी जगह छीन ली, बल्कि टीआरपी मार्क्स में भी उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि नागिन 3 में लगातार जो ट्विस्ट आते जा रहे हैं वो बेहद मजेदार हैं। मगर अब जो नागिन 3 में होने वाला है वो दर्शकों के लिए और भी रोमांचक भरा होगा। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह जामिनी चुड़ैल बेला को मारने की कोशिश करती है, मगर बेला तो नागरानी है और बेला जामिनी को ही पानी से भरे दलदल में फेंक देती है। यहाँ दर्शकों को लगा कि जामिनी का खात्मा हो चुका है, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जामिनी एक बार फिर से शो में लौट कर आएंगी और इस बार किसी नए रूप में दिखेंगी। जी हाँ, नागिन 3 के सूत्रों की माने तो जामिनी के किरदार को काफी पसंद किया गया और टीआरपी में बढ़ोतरी की वजह भी कहीं ना कहीं जामिनी का चुड़ैल वाला अवतार था, इसलिए अब जामिनी के किरदार को नागिन 3 में फिर से दिखाया जाएगा। तो आप जामिनी को फिर से नागिन 3 में देखने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। वैसे आपको बता दें कि नागिन 3 के बाद टीवी टीआरपी लिस्ट में कुंडली भाग्य दूसरे नंबर पर है, कुमकुम भाग्य तीसरे नंबर पर, डांस दीवाने चौथे नंबर पर और ये रिश्ता क्या कहलाता है 5वें नंबर पर रहा। टॉप 5 की लिस्ट में शुमार इन सीरियल्स में से कौन सा आपका फेवरेट है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कतई भी ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।